व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब महात्मा गांधी जी एक अखिल सत्याग्रह नहीं कर रहे, अब तो महात्मा गांधी जी क्या कर रहे? व्यक्तिगत सत्याग्रह कर रहे। क्या कर रहे? व्यक्तिगत सत्याग्रह कर रहे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में किसको चुना था? राइट आंसर हमारा क्या आएगा जी? हम बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 में यह व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था महात्मा गांधी जी ने। कब किया था? 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में प्रारंभ किया था। राजेश सिंह जी और राकेश कुमार जी महात्मा गांधी जी को बुलाने वाले रामचंद्र शुक्ल जी। बिल्कुल जी। हम बात करें तो अब यह सत्याग्रह और इसके बाद प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह यह किया था, पुनः दूसरी बार ये 5 जनवरी 1941 में चालू किया गया था। कब किया गया था? 1941 में चालू किया गया था। अब हम बात करें, देखो पहली बार व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 में किया गया था, दूसरी बार 5 जनवरी 1941 में किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने चलाया था। अब हम बात करें कि भाई किसको चुना था प्रथम सत्याग्रह के रूप में? प्रथम सत्याग्रह के रूप में महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे को चुना, ठीक है ना। दूसरे सत्याग्रह के रूप में पंडित जवाहरलाल को चुना। तीसरे सत्याग्रह के रूप में ब्रह्म दत्त को चुना। चौथे सत्याग्रह के रूप में प्यारे लाल को चुना। किसको? प्यारे लाल को चुना। पांचवें व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए मौलाना अब्दुल कलाम को चुना। किसको चुना? अब्दुल कलाम को चुना, ठीक है ना। क्रमानुसार इनको याद भी कर सकते हैं आप कभी पूछा जाए। और इसके बाद सरदार पटेल को चुना। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना, छठे व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में। इस तरीके से आपका ये राइट आंसर आ जाएंगे जी। विनोबा भावे, बिल्कुल जी। अब आप ये क्रम अनुसार आप इन्हें याद भी कर सकते हैं, 6 सत्याग्रह के रूप में चुने थे जी। ऐसे तो प्रश्न आपसे कैसा भी पूछा जाए आप उसकी गहराई में जाइए, क्योंकि लेवलों का अंतर होता है। किस लेवल पर कैसा प्रश्न पूछा जाता है तो वो जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और देखो एक क्या होता है, देखो पढ़ने से ज्यादा ये जानना जरूरी होता है कि प्रश्न किस तरीके से पूछा जा रहा है, कहां से पूछा जा रहा है। अब ये देखो छोटे लेवल में केवल इतना पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में प्रथम किसको चुना? विनोबा भावे को। लेकिन नेट के लेवल में यह भी पूछा जा सकता है महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए पांचवे किसको चुना, पांचवा सदस्य किसको चुना। अब प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, इनमें बड़ा अंतर होता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है छठा सदस्य किसको चुना, दूसरा सदस्य किसको चुना, तीसरा सदस्य किसको चुना। यह जानना बेहद जरूरी है। और यह प्रारंभ होता है 17 अक्टूबर 1940 को, और दूसरी बार इसे प्रारंभ करा जाता है 5 जनवरी 1941 ईस्वी को प्रारंभ किया जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। यह अखिल सत्याग्रह नहीं था, यह केवल खुद से संबंधित था महात्मा गांधी जी का व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब यह था महात्मा गांधी जी ने कुछ ही लोगों को इसके लिए चुना था, ना कि संपूर्ण लोगों को चुना था। याद रखना इस बात को, ठीक है ना। धन्यवाद राकेश जी, धन्यवाद। तो इस तरीके से हमें चीजों को समझना है।